नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना खान। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की बड़ी बहस का वक्त हो चुका है। हिमाचल प्रदेश, 9 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में मतदान होना है, मतलब हिमाचल की वोटिंग में 12 दिन बाकी। और आज बड़ी बहस का काफिला पहुंच चुका है हिमाचल प्रदेश के मंडी में। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं, जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बड़ी बहस के साथ हिमाचल की मंडी से। जगविंदर, देवभूमि हिमाचल की छोटी काशी मंडी जिला, यहाँ पर कई पौराणिक मंदिर हैं, इसीलिए कहा जाता है छोटी काशी। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि आखिरकार क्या है सियासी पृष्ठभूमि मंडी जिले की, मंडी की सियासत की, और वो है कि पंडित सुखराम ने यहाँ पर पिछले कई दशकों से सियासत में राज किया है। लेकिन आज ये जनता, जो मंडी जिले की जनता यहाँ आई है, वो पूछेगी अपने नेताओं से सवाल और मांगेगी 5 साल का हिसाब, और ये नेता देंगे हिसाब, और जो हिसाब नहीं दे पाएगा उस पर खड़े होंगे सवाल। लेकिन पंडित सुखराम के परिवार ने इस बार एक अजब कारनामा किया है, उस पर भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं क्या है मंडी जिले की सियासी पृष्ठभूमि। हिमाचल के मंडी पहुंचा एबीपी न्यूज। मंडी में कांग्रेस बीजेपी में बराबर की टक्कर। हिमाचल के खूबसूरत जिले मंडी में तेज हो गई है चुनावी हलचल। मंडी जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं। 2012 में कांग्रेस और बीजेपी में यहां बराबरी का मुकाबला था। दोनों पार्टियों ने 5-5 सीटें जीती थी। मंडी को कांग्रेस नेता सुखराम और वीरभद्र सिंह का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार बीजेपी ने सुखराम के परिवार में सेंध लगाकर शुरुआती बढ़त बना ली है। बीजेपी ने मंडी सदर से सुखराम के बेटे अनिल शर्मा को टिकट दिया है। सुखराम के बेटे अनिल शर्मा वीरभद्र सरकार में मंत्री थे, लेकिन चुनाव के एन मौके पर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। अनिल शर्मा का मुकाबला कांग्रेस की चंपा ठाकुर से है। चंपा ठाकुर वीरभद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर की बेटी है। मंडी में कभी पंडित सुखराम की तूती बोलती थी। सुखराम भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार हो चुके हैं और अभी जमानत पर है। मंडी कभी भले भ्रष्टाचार की वजह से चर्चा में रहा हो, लेकिन इस वक्त मंडी की जनता पानी और बेरोजगारी को यहां का बड़ा मुद्दा मानती है। जनसंख्या के लिहाज से मंडी हिमाचल में शिमला के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला है। हिमाचल में मंदिरों की नगरी कहे जाने वाले मंडी में सर्दी भी बढ़ने लगी है और चुनावी गर्मी उससे भी ज्यादा है। मंडी में विधानसभा की 10 सीटें हैं पूरे जिले में, और उसमें से 5-5 50-50, 5 कांग्रेस के पास हैं अभी और 5 बीजेपी के पास हैं। लेकिन खास बात क्या है कि मंडी जिले से वीरभद्र सरकार में 3-3 कैबिनेट मंत्री थे, इसीलिए इस जनता का हक बनता है कि आज सवाल इन नेताओं से पूछे जिनसे हम आपका तारुफ करवा देते हैं। बीजेपी का डायस अभी खाली है, क्यों खाली है ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पुष्पराज जी पहुंचे हुए हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कई बार पार्षद बन चुके हैं, और इनकी पत्नी भी सियासत में है। और एक खासियत और कि वीरभद्र सिंह के जो 5 प्यारे मंडी में बताए जाते हैं उनमें से एक इनको गिना जाता है। इधर हिमाचल अधिकार मंच के देशराज जी हैं, और हमें बीजेपी के जिस मेहमान का इंतजार है वो पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके ठाकुर साहब, जयराम ठाकुर, वो आने वाले हैं। चचोट विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, कद्दावर नेता हैं। लेकिन कद्दावर नेता को आने में थोड़ी सी देर हो गई है, उन्होंने कहा है वो 5-6 मिनट में पहुंचने वाले हैं। सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, जवाब भी इधर से आएंगे। पहला सवाल कांग्रेस से, आपके मंत्री और सुखराम के पुत्र 5 साल आपकी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और आपको पता भी नहीं लगा कि कब चुनाव आया और कब वो बीजेपी में चले गए, उसका जवाब ये मंडी की जनता देगी 9 तारीख को। आप जवाब दीजिए पहले तो, आपको पता क्यों नहीं लगा? मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। ये जो आपका प्रोग्राम है, कौन बनेगा करोड़पति, हमारे मुख्यमंत्री कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हमारे पास राजा वीरभद्र सिंह जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है और 7वीं बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इनके पास बताओ बीजेपी के पास कौन कैसा मुख्यमंत्री है जिसे यही पता नहीं लगता कि उसके मंत्री कहाँ जा रहे हैं? नहीं, ये पता है, ये
जो मंत्री गया है, आपको पता था कि अनिल शर्मा बीजेपी में जाने वाले हैं। जो मंत्री गया है वो मंत्री का पटका उसने बीजेपी का पहले पहना है और कांग्रेस को बाद में छोड़ा है। ये इनकी सियासत है, ये इनके अपने परिवार की राजनीति है कि अपने बच्चे को अपने पोते को बदनाम के पद में जाना चाहता है। 5 साल कांग्रेस पार्टी में मिलाई चाटी, मिलाई खाई, 15 साल वीरभद्र की गवर्नमेंट। मिलाई दी किसने? मिलाई आपकी पार्टी ने दी? नहीं, मिलाई हमारी पार्टी ने दी, परंतु जो आदमी अपने परिवार के खातिर, मैं भी सुखराम का भगत हूँ, मैं भी अनिल शर्मा का भगत हूँ, मैं भी आहत हूँ, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ क्यों गया? है या थे? मैं पहले था, अब कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। और चलिए सिपाही है ठीक है, लेकिन जनता से सबसे पहले पूछते हैं, 3-3 कैबिनेट मंत्री थे आपके इलाके से वीरभद्र सरकार में, यहाँ विकास और काम हुए या नहीं? मैं ये कहना चाहूंगा मंडी की जनता की तरफ से, विकास की बात तो छोड़ो, मैं पूरी जनता की तरफ से कहता हूं, हमारी मंडी की जनता को हीरो ने इमोशनल ब्लैक मार करके हमेशा लूटा, लेकिन इस बार जनता ऐसा जवाब देगी कि ये हमेशा याद रखे। किसने लूटा? ये इन मंत्रियों ने, अनिल शर्मा कांग्रेस वालों ने हमेशा इमोशनल करके बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने और अनिल शर्मा ने लूटा था। अनिल शर्मा ने लूटा, ये बीजेपी वाले कांग्रेस को पता था या नहीं? कांग्रेस को पता हो नहीं हो, आपके कैबिनेट मंत्री ये नहीं पता था? मैं ये जानना चाहता हूँ बीजेपी पार्टी से कि ये पांच साल ये अनिल शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे और आज कैसे गोद में इसको बिठा लिया? आपने 5 साल कैबिनेट मंत्रीशिप नहीं दी? हमने नहीं, ये 1962 से पंडित सुखराम का परिवार कांग्रेस में है, 2050 साल से राजनीति ये कांग्रेस की कर रहे हैं, परंतु क्या कारण हुए ये आज अपने परिवार के खातिर बीजेपी में चले गए? इसकी जनता 9 तारीख को आपने क्यों नहीं हटाया तब जब सुखराम को सजा हुई, तो क्यों नहीं अनिल शर्मा को कैबिनेट मंत्री पद से हटाया? हमने मंत्री पद से हटाया, सुखराम को हटाया, सुखराम ने अलग। मैं कह रहा हूँ अनिल शर्मा को क्यों नहीं हटाया जब 4 साल की सजा सुखराम को हुई, भ्रष्टाचार के आरोप अदालत में साबित हो गए? हमने हटाया, बीजेपी ने इसको गले लगाया और बीजेपी हिमाचल में नहीं गई, यह सुखराम की बदौलत बीजेपी हिमाचल। चलिए आपको पता ही नहीं लगा, यह बताइए कि 3-3 कैबिनेट मंत्री मंडी से थे, बड़ी खुशकिस्मती थी मंडी की कि 5 जीते 3 कैबिनेट मंत्री बने, क्या जो 3 कैबिनेट मंत्रियों को काम करना चाहिए था जनता पूछ रही है वो हुआ या नहीं, बताइए देशवासी। हम लोग जब 4 लेन आंदोलन में किसानों के लिए यहां लड़ रहे थे, या हम क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए हम लड़ रहे थे, शिक्षा और जो स्वास्थ्य की जो लूट है उसके खिलाफ हम जब लड़ रहे थे, ये जो तीनों मंत्री हैं ये और यहाँ भाजपा के जो तमाम जो विधायक, कांग्रेस के विधायक और मंत्री, इन्होंने ये एक बात भी वहाँ विधानसभा में नहीं की, और हम लोग तीसरी राजधानी के लिए मंडी में लड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं उठाई। कांग्रेस और भाजपा के मंत्री वहाँ विधानसभा में अपने वेतन भत्ते बढ़ाने में लगे रहे। अरे हजूर, आते आते बहुत देर कर दी, ये बीजेपी के नेता ठाकुर जयराम जी आ गए हैं। जयराम जी, आप 5 मिनट देरी से आए, पहला आरोप ही बीजेपी पर लगा, और वो ये लगा कि आपने, बीजेपी पर ये आरोप है कि बीजेपी ने अनिल शर्मा को कांग्रेस से चुरा लिया। मुझे लगता है कि पूरे देश भर में जो वातावरण बढ़ा है, पूरा देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है, और उस दिशा से उसमें हिमाचल प्रदेश भी कांग्रेस मुक्त करने के लिए जो जरूरी होगा वो हम कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसे ही किसी को ले लेंगे उठा के? आप 5 साल पहले तक तो कहते थे कि भ्रष्टाचारी हैं, सुखराम ने भ्रष्टाचार किया, वीरभद्र सिंह भ्रष्टाचारी हैं, अब आप उनके कैबिनेट के मंत्रियों को ही शामिल किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सारी बात को लेकर के बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। नहीं, चर्चा यही करेंगे, यही करने तो आए हैं मंडी में, तो कैसे सुखराम के परिवार के बिना चर्चा आगे बढ़ेगी? मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अनिल शर्मा के ऊपर इस प्रकार का कोई आरोप नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको लिया है और भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनकर के वो मंडी सदर से जा रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई आरोप नहीं है अनिल शर्मा पर, उनके पिता पर है। मैं जयराम जी से ये पूछना चाहता हूँ कि इनके आदमियों ने, बीजेपी के आदमियों ने भूख हड़ताल की, अमान अनशन पर बैठे कि अनिल शर्मा को बीजेपी में मत लाओ, फिर क्यों लाए? कह रहे हैं कि आपके बगावत हो गई है अनिल शर्मा को लेकर, आपके लोग बागी हो रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, फिर भी आप अनिल शर्मा से मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं। कहीं बगावत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन अनिल शर्मा के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का विधायक के रूप में वो चुन करके जाने वाले हैं। लेकिन ये कहां की सियासत हुई कि 5 साल कैबिनेट मंत्री रहे, फिर आप में आ गए और आपने अपने काडर को इग्नोर करके उनको टिकट दे दिया, क्या बीजेपी में आगे भी कांग्रेसियों को इसी तरह टिकट मिलता रहेगा?
नहीं, मुझे लगता कि ऐसी परिस्थिति बहुत कुछ जगह आई है, तो आई है तो हमने उसको स्वीकार किया है। और सरकार बनाने के लिए विधायक चाहिए, विधायक अनिल शर्मा जी यहां से जा रहे हैं और वो मजबूत कैंडिडेट हैं, ऐसा हमारी पार्टी के नेतृत्व। कितने विधायक जीत रहे हैं आपके, कितने उम्मीदवार जीतकर विधायक बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया 50 प्लस का, लेकिन हम 60 प्लस होने जा रहे हैं। अभी पूछता हूं जनता से, क्या क्या 60 प्लस होंगे? जल्दी सर, सर मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, प्रदेश के 80,000 कर्मचारियों की तरफ से उनकी पेंशन छीनी गई, विधायक और मंत्रियों को पेंशन है, ऐसा क्यों? तीनों बड़ी पार्टियां जवाब। पेंशन का मुद्दा आया है, पेंशन का मुद्दा आया है। सर मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आज तक क्या 40 साल से बीजेपी का कोई रिश्ता सिंह आज तक मांगनी के क्यों विधायक लेते हैं? कांग्रेस के विधायक बीजेपी क्यों लेती है? क्या अपने आज तक नहीं थे? देखिए वही सवाल हो गया, कांग्रेस के लोगों को आखिरकार क्यों लिया जा रहा है? जनता भी यही पूछ रही है आपसे। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए, यही एक जगह रुके रहेंगे वो आवश्यक नहीं है। पूरे देश भर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है, देश की नहीं दुनिया की। जयराम जी, जयराम जी सवाल घुमाइए मत, आप सीधा सीधा ये बताइए कि मंडी में आपका पंडित सुखराम के परिवार के बिना गुजारा नहीं हो रहा था? लोग भी यही पूछ रहे हैं जो मैं पूछ रहा हूं। अनिल शर्मा क्यों आपकी कमजोरी बन गए मंडी में? अनिल शर्मा कमजोरी नहीं है, अनिल शर्मा आज की जरूरत है और उनको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में टिकट दिया है और टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी का तमाम हमारा कार्यकर्ता उसके साथ। आपको पता था कि आने वाले हैं, सीधा सब कुछ शीर्ष नेतृत्व से ही हो गया? पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है और पार्टी का पूरा संगठन, पूरा कार्यकर्ता उनके साथ काम कर रहा है। मैं जयराम जी का जवाब देना चाहता हूं, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास मंडी जिले में कोई कदावर नेता नहीं था जो कांग्रेस को सीट दे सके। हमारे पास हमारे आदमी को छोड़कर ये पार्टी में जोड़ रहे हैं, उत्तराखंड में ये बात। कोई कदावर नेता नहीं था देशराज जी, आपको लगता है बीजेपी के पास कोई कदावर नेता नहीं था इसलिए इन्होंने अनिल शर्मा को चुना? ना तो कांग्रेस के पास और ना ही भाजपा के पास लीडरशिप का शून्य है और इन दोनों पार्टियों ने इस प्रदेश को लगातार लूटने का काम किया है। और जब यहाँ भाजपा, तो आप चुनाव क्यों नहीं जीत जाते? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हम जीतेंगे चुनाव, जनता हमें जिताएगी चुनाव। और हमें कहना चाहते हैं, जब यहाँ भाजपा की पिछली सरकार थी तो हाई कोर्ट ने 100 करोड़ का जुर्माना किया जेपी कंपनी के ऊपर हमारे जल जंगल और जमीन लूटने के खिलाफ, और 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला इन दोनों पार्टियों ने हिमाचल दोनों पार्टियों पर। कहते हैं दोनों पार्टियां विकास कम और घोटाले ज्यादा करती हैं। मुझे लगता कि ये बहुत गलत फहमी में है, इनको जानकारी नहीं है। जिस दिन से मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी है, एक भी विधायक, एक भी मंत्री के ऊपर, एक भी मंत्री के ऊपर, एक भी सांसद के ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं लगा है। ये 3.5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। लेकिन अब जब आपसे पूछा जाएगा कि अनिल शर्मा के पिता पर ये आरोप है तो क्या जवाब देंगे? जो क्लीन और सियासत में भ्रष्टाचार की सफाई की बात होती है वो कहीं धुंधली नहीं पड़ रही है? मुझे लगता है कि इस विषय को सिर्फ अनिल शर्मा तक रहने देना चाहिए, इसको बहुत आगे पीछे जोड़ते रहेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं आज की तक। एक सवाल पूछ लेते हैं, क्या आपको लगता है कि अनिल शर्मा के बिना गुजारा नहीं हो रहा था बीजेपी का? लगता है बीजेपी के अनिल शर्मा जी अब हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि हमारा परिवार बढ़ रहा है, इसलिए अनिल शर्मा का तरफ से क्वेश्चन। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, होशियार चंद हमारे मंडी जिले से संबंधित रखता है करसोग से, आज सीबीआई के पास उसका केस है, वो मेरी तरह एक नौजवान था, आज गुड़िया कांड हिमाचल प्रदेश में हुआ उसकी सीबीआई है, आज सीबीआई जांच की मांग है होशियार चंद कांड के बारे में। आप आरोपियों की जमानत हो गई और एसआईटी जेल पहुंच गई, ये आरोप है? ऐसा नहीं है, ये जो गुड़िया कांड केस था ये राजा वीरभद्र ने सीबीआई को भेजा हुआ है कि दो लेकिन आपके अफसर जेल पहुंच गए, आरोपी बेल पे काम लग रहा है। राजा वीरभद्र ने ही मानत इंक्वायरी मांगी हुई है, राजा वीरभद्र ने मांगी हुई है। पुलिस के अफसर गिरफ्तार हुए तो सरकार ढीली थी ना, चुनाव नहीं पेश कर रही, सीबीआई चुनाव पेश नहीं कर पाई। सीबीआई चुनाव तो वक्त है, 90 दिन के अंदर चुनाव पेश करना है, जाएगा कोर्ट में आएगा। हमने भेजा, हमारी सरकार ने भेजा। आपको लगता है कि गुड़िया कांड काला धब्बा है वीरभद्र सरकार पर? एक गुड़िये के कारण मुख्यमंत्री ने ठेोक से बदल करके अपनी सीट जो है वो जाकर के कहां पहुंच गए, अर्की पहुंच गए। दहशत है पूरे देश भर में,
गुड़िया के नाम से कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता हांफ रहे हैं, डर रहे हैं। आप लोग डर रहे हो गुड़िया कांड से, आपके सीएम को अपनी सीट बदलनी पड़ी। अब ये जो बात आप पूछ रहे हैं, सीएम ने वो सीट चुनी हुई है जो बीजेपी के कब्जे में 20 साल थी। राजा वीरभद्र पूरे हिमाचल का नेता है, उसने जो बीजेपी के पास सीट थी उसको कांग्रेस की झोली में डालने के लिए सीट बदली है। और सुजानपुर में माननीय मुख्यमंत्री धूमल ने जो सीट बदली थी वो सीट उनके पास मैंने थी। आप मानते हैं कि आप इस दम पर जो दावा कर रहे हैं आप बीजेपी को हराएंगे? बिल्कुल हराएंगे, 10 की 10 सीटें कांग्रेस की झोली में जाएगी। राजा वीरभद्र छात्र, चलिए अगला सवाल ये है कि मंडी में मेडिकल कॉलेज बनना था, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने आज तक वहां पर क्लासेस नहीं लगने दी, वहां बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं और बिल्डिंग पर करोड़ों रुपए का खर्च हो चुका है। मुझे लगता है कि इनको जानकारी नहीं है, मंडी मेडिकल विधिवत शुरू हो चुका है, फर्स्ट बैच शुरू हो चुका है और विधिवत उसका उद्घाटन करने के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी आए थे और पहला बैच शुरू कर दिया। यह मंडी के लिए हमारा गर्व। देरी क्यों हुई कॉलेज बनने में, देरी क्यों हुई क्लासेस बैठने में, देरी क्यों हुई? क्या क्रेडिट वॉर में फंस गई थी दोनों पार्टियां? बिल्कुल देरी की वजह ये सामने हमारे मित्र जिनकी हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की है, इन्होंने कोई रुचि नहीं उसमें और रुचि ना लेने के साथ साथ में उसको जो है वो टांगने की कोशिश की, लटकाने की कोशिश की। और आज हमको इस बात की खुशी है, जैसे हमारी केंद्र सरकार बनी हमारी सरकार ने जो स्वीकृति दी अब आज क्लासेस शुरू हो गई। आपने मेडिकल कॉलेज में जो क्लासेस बैठनी थी आपकी ढिलाई के कारण? नहीं, हमने किला से बिछा दी है, स्वास्थ्य मंत्री इस जिले से है और कॉलेज चालू होने जा रहा है। हम तो ये बोलते हैं कि जो सत्ता में आए हैं ये किस जुमलेबाजी से सत्ता में आए हुए हैं, इसका हिसाब जनता को देना। आप जुमलेबाजी करते हो, बीजेपी जुमले वाली पार्टी है कह रहे हैं? मुझे लगता है कि ये सब जो है इतने परेशान हो गए हैं, हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश नहीं दुनिया में उनका एक नाम, भारत का एक नाम। अब मोदी के नाम का फोबिया हो गया? नहीं, मोदी फेकू है, झूठ बोलता है। उसने बोला 2014 के चुनाव में कि कांग्रेस पार्टी ने जो महंगाई की है उसको मैं कम करूंगा, तेल के दाम कम करूंगा, गैस सिलेंडर कम करूंगा, 2000 नौकरी तो कम करूंगा, काला धन लाऊंगा। मोदी साहब जो कहते हैं वो करते नहीं कह रहे हैं, वो फेंकते हैं। मोदी साहब जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करते हैं और आज वो हमारे लिए प्रधानमंत्री हैं लेकिन दुनिया के सामने वो विश्व नेता के रूप में जाने जाते हैं। आखिरी सवाल, आपका मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर 60 सीटें आ रही हैं तो? नाम बताइए, नाम बताइए। ये हमारा पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा ये तय है। नाम बताइए। मैं सिर्फ कह रहा हूं पार्टी का नेतृत्व तय करेगा बहुत जल्दी। जयराम जी बात घुमाइए मत, आखिरी 10 सेकंड बताइए, भारतीय सीएम कौन होगा? हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा और उसके लिए पार्लियामेंट बोर्ड जो हमारा तय करेगा, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और निश्चित रूप से मैं इतना कहना चाहता हूँ, सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का। चलिए पत्ते नहीं खोल रहे हैं जयराम ठाकुर अभी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा? वीरभद्र ने केंद्रीय दबाव बनाकर केंद्रीय आला कमान से सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, लेकिन धूमल अभी भी इंतजार कर रहे हैं। आज मंडी से केवल इतना ही, लेकिन कुल्लू से सोमवार को वहां से हम बताएंगे आपको कुल्लू का क्या है हाल और बड़ी बहस कौन बनेगा मुख्यमंत्री। 18 दिसंबर को सबसे तेज नतीजे अगर हिमाचल के देखने हैं तो सिर्फ एबीपी न्यूज बताएगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।